जो गुरु धरती नो नमाय विक्रम स्वर्गीय विक्रम बाबा सी जयंती तो ये लेखा चाला जो जबरदस्ती हर सुंदरी ची तो ताली कर काजी मैं के नाम तो हैं धर्म नालक नंदर का मानंदर का पता मला लेकिन ये रहमान एक ना रोड़ हर सब चाला यो सुंदरी ची और समर्पित नहीं ची और रास्ता इलाके बनी ची तो ये नागे इन्ना का विधायक प्रतिनिधि और मैं ताली सरकाची मैया के नाम से और एक जाते बात मानते हुए इनका रोजिम कथा उठी बानु ब्राता लेकिन इसे काफी संख्या में बर्च कनर आर्ग समय से बेड़ा से भजन और वक्त का खरो कालो आदि में कई वक्त है को इनका रोज जीवन दे तो इनका बाप इतन के ना नमाय इस आध्यात्मिक मंचनों और नमाय विक्रम बाबस की योजना तेरी इस सुंदर अवसर पर मूली धरती ने बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजन मनाने के लिए पद्धन का आयोजन मनु वाला जितना भी पहान और जितना भी पुजार और संग संग जितना का मुख आदित्य जगह प्रतिनिधि बिशनपुर मिठू राजे और इन्ना का विशेष अतिथि जागृत राम बाबा और उस पर धर्म आयो और मंच ने जितना कर हरमा के नामे मान होते हुए इन हरमारे जमे जमा जय धर्मे बालक धन जय धर्मे जय सन्ना जय सन्ना कभी कहे नम अखना पर ना धर्म के नाले कर दन धर्म के प्रचार नाले कर दन तो धर्म क्या है आदि नमक अखना पर धर्म क्या है धर्म क्या है आदि समझना पर रो इन धर्म के रास्ता नाम एकदम भटकरा 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 नाम पूरा समाज खोखला लंज का चिचकर आज हमारे समाज के लोग देखिए कोई भी एक भी व्यक्ति समझ नहीं पा रहे कि हमें धर्म में स्थित होके हमें अपना एक 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 लोगों को समझाना है और समझाएंगे बुझाएंगे और एक दिन प्रत्येक सप्ताह अगर सरना में अगर आते हैं कि इससे बड़ा हथियार हमारा कुछ नहीं है हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं सरना को समझ नहीं पा रहे हैं सरना में जाने से हम लोग रोकते हैं खुद भी जाते नहीं है इसीलिए सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग सरना माँ का शरण में रहिए और प्रार्थना कीजिए आप भी प्रार्थना कीजिए आप अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाइए खुद भी अपने परिवार को प्रार्थना करना सिखाइए और प्रार्थना करते 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 पढ़ाई करना भी सिखाइए हम लोग क्या करते हैं पढ़ाई तो करते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते अगर हम प्रार्थना को नहीं करेंगे सरना माँ को नहीं याद करेंगे धर्म इसको याद नहीं करेंगे तो हमारा धर्म बिछड़ जाएगा हमारा धर्म गड़बड़ हो जाएगा जितना भी हम लोग पढ़ते गए हम लोग ईसाई बन गए जितना भी पढ़ते गए हम लोग हिंदू बन गए आज आदिवासी सत्प्राकृति सर्ण धर्म प्रार्थना सभा के माध्यम से एक नहीं लाखों लोगों को धर्म की राह बताया जा रहा है वो भी ध्यान करा बताया जा रहा है जो सत्य है सत्य के बारे में जब आप शुरुआती दौर में बात करते थे उस समय लोग बोलते यार सत्य क्या है ये इसका सत्य क्या है सत्य मतलब अहम मल्ला लिया बहुत ज्यादा आलोक नहीं हमें आलोचना निंद शिकायत मान लिया कि यार चितनियन राव क्या बात कर रहा है आज तक हम लोग धर्म का काम करते थे क्या सत्य की बात नहीं करते थे ये फौजी आदमी कहाँ से पागल आ गया और ये धर्म का और उल्टा सीधा कर रहा है बोल के बहुत सारे शिकायत मान लिया लेकिन मैं कदम कदम चलते रहा अक्कुल हूँ ये नेक है कथन मनविंदा किसी का बात नहीं सुनते बस सीधे सीधे वीडियो बनाते रहते हैं और पूरा का पूरा समर्पित मेरा एक 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 घर में झंडा गाड़ने में और उनसे बात करने में व्यतीत करता हूँ ऐसा काम कीजिए का चर्चा करने से बात करने से कुछ भी नहीं होगा चर्चा का कोई समय होता है एक बार निर्णय लीजिए और चल पड़िए आपके पीछे कितना शिकायत किया जा रहा है कितना निंदा किया जा रहा है कितना आलोचना किया जा रहा है कितना क्या बोल है उसका परवाह मत कीजिए हमारा धर्म बहुत ज्यादा गिरावट की स्थिति में चला गया आज डिलिस्ट की बातें में देखिए हम लोग आधा कोई बोल रहे हिंदू है आधा कोई बोल रहे हैं ईसाई है आधा लोग कुछ 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 बोल बोल के गड़बड़ हो गई अब हम लोग सरना जो बोलने वाले हैं तो सरना बोलते सरना पूजा और सरना धर्म कोड की बातें करते सरना क्यों नहीं आते भाई सरना क्यों नहीं आते सरना बनना सिकमर बनना चाहिए ताली सरकार जो से बनने सिकमर बनना चाहिए तो क्यों नहीं आते सरना कोड के बारे में बातें करते हैं अगर हम लोग प्रत्येक सप्ताह बच्चे बूढ़े एक 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 लोग अपने धर्म की रक्षा के
अपने धर्म सुरक्षा के लिए, अपना परिवार की सुरक्षा के लिए अगर शरणनामा आएंगे, इससे बड़ा हथियार हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जगह जगह पर क्यों शरणा का स्थापना किया, इसलिए स्थापना किया कि आप लोग उस सुपर पावर को समझो जिसने सारा संसार का निर्माण किया, उसी को पूजा करना। हम लोग प्रार्थना कहते सीधे के सीधे डंडा कटलियर नहीं, डंडा कटलियर धरे सिर, अन्यथा उल्टा सीधा हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा करने का भी तरीका होती है, और पूजा करने के साथ साथ हमारे प्रवचन में ध्यान करना है। हमारे धर्म दीदी लोग, भगत भक्ताएं दीदी लोग सब यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, और हम सबको सिखा रहे हैं पूजा के समय में भूत प्रेत का नाम मत लो। भूत प्रेत का नाम लेके हम लोग आज थका गए हैं, हम विचलित हो चुके हैं, इसीलिए पूजा के समय में अच्छा अच्छा बात कीजिए, सुंदर सुंदर बात कीजिए, और वहीं पर कहना है हे परम शक्ति सदर्मेश, मैं आपका अंश हूँ, मुझे दिव्य ज्ञान दो, मैं लोगों को सेवा कर सकूं, मैं लोगों को मदद कर सकूं, लोगों को प्यार करना सिखा सकूं। ये चीज हमको सिखाना है अपने अपने बच्चों को। आज के बाद में सभी लोग प्रार्थना, पहले सबसे पहले अपना माँ को, अपने धर्मेश को जाना, माँ को याद करो, प्रार्थना करो, उसके बाद में पढ़ाई करने के लिए भेजो। आपका बच्चे लाइक 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 हो जाएगा, माँ क्या हो उसको समझेगा, आपका बच्चे पिता क्या है वो समझेगा, आपका बच्चे आपका धर्म क्या है उसको समझेगा, आपका बच्चे समाज को समझेंगे। अन्यथा हम लोग रोज प्रार्थना सभा करते रहिए, रोज गड़बड़ होते रहेंगे। प्यार कहाँ है, प्यार नहीं, प्यार नहीं, नफरत द्वेष जलन ईर्ष्या क्रोध भर चुका है। अलग अलग संगठन से हम लोग काम करते हैं, इस संगठन से हम काम कर रहे हैं, अगला संगठन नाराज हो रहा है, अगला संगठन से काम को हो रहा है तो मैं नाराज हो रहा है, क्यों भाई आपसे विचार नहीं मिला, हम अगला संगठन से काम कर रहे हैं, लेकिन धर्म का ही तो काम कर रहे हैं, हम किसी दूसरे को या अपने धर्म के लोगों को अलग धर्म की तरह तो नहीं ले जा रहे, सरना माँ का ही हम पूजा करवा रहे हैं। आप अपना घर में सरना झंडा गाड़ कीजिए। मैं कल परसों एक हमारा बड़ा अधिकारी के पास में गए थे, खुद को घर में झंडा गाड़े नहीं है और खुद में झंडा नहीं है, और क्या बोल रहे हैं, मैं 25 साल से किसका अपना धर्म का काम कर रहा हूँ। अरे तू तो खुद नालायक हो यार, तुम्हारा घर में झंडा है नहीं, फालतू फालतू बात करते हो, वहीं पर कमजोर पड़ता है। इसीलिए मैं यहाँ से सारे लोगों से कहते हैं, अगर आप आदिवासी परिवार के हैं, आदिवासी घर के हैं, तो आप अपना घर में सरना झंडा खड़ा कीजिए, शक्ति झंडा खड़ा कीजिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग को इस झंडा को चीरा झंडा नहीं बोलना चाहिए। हम लोग को बहुत लोगों को आवाज मिलता है कि झंडा को चीरा झंडा नहीं, इस झंडा को शक्ति झंडा बोलिए, इस झंडा को सरना झंडा बोलिए, इस झंडा को चाला झंडा बोलिए, फिर देखिए आपके अंदर प्यार घुसेगा। हम लोग चीरा झंडा पता नहीं कहाँ से आया, मुझे समझ में नहीं आता। अगर इस बातों में अगर आप लोग सहमत नहीं होते, मुझे हर बार के डांट सकते हो, समझा सकते हो, समय समझने के लिए तैयार। तो और एक बार मैं दोहराना चाहूंगा, सबसे पहले अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाए। हे चालायो इन स्कूल काल कदर, सबसे पहले निघ है नाम के अम्मे सी आज दिन स्वीकार नन करेंगे दौल दौले लू रकिन सीखे बार के, अपने बच्चों को सिखाओ, उसके बाद पढ़ाई करने के लिए भेजो, अपने घर में सरना झंडा खड़े करो और पढ़ाई करने के लिए भेजो। उसके बाद में कहो कि पढ़ाई के साथ साथ में मेहनत करो, पढ़ाई किया आलसीपन मेरा रहा है, और आलसीपन की वजह से मेहनत नहीं कर रहा है। सफलता का 3 ही मंत्र है, प्रार्थना करो, पढ़ाई करो और मेहनत करो, ये है हमारा मूल मंत्र सफल होने के लिए। जय सरना, जो से बोले जय सरना, जय सरना बोलने के लिए भी दर्द होता है। हम लोग क्या बोलते हैं, जय सरना बोलते हैं, बोलता है अरे तुमने अनुराग क्या जय सरना बोल रहा है, इसलिए बुलवाते हैं। हमारे दिमाग और खोपड़ी में दूसरे धर्म का प्यार घुस गया है, क्या हुआ है, दूसरे धर्म का प्यार घुसा है, संस्कृति घुसा है, दूसरे को माँ को माँ 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 कर रहे हैं, और अपना खुद को सरना माँ बोलने के लिए दर्द होता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं जय सरना, गुड जय सरना। और एक बात बताना चाहूंगा, जहां सुमति
कहां संपत्ति लाना, हमारे अंदर सुंदर मच नहीं है। आज मैं एक भी व्यक्ति का मैं आलोचना नहीं किया, एक भी संगठन का मैंने आलोचना नहीं किया है, किसी धर्म का नहीं, किसी जाति का नहीं, एक एक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ प्यार करना सिखाया हूं। क्यों सिखाया हूं? प्रकृति का टोपी मैं पहनता हूं, प्रकृति का गले में माला पहनता हूं, और सरना माँ का आशीर्वाद से एक एक नहीं 50 ठो धर्म बहन लोगों के माध्यम से कह रही है कि हमारे धर्म बाबा सत मार्गदर्शक है, इसको सत्य की मार्ग पर चलने के लिए सखुआ का जो पत्ता है इस पत्ता में चलाओ, ताकि ये भी विचलित ना हो, नहीं तो कल आने वाले दिन में ये भी अन्य समाज अगुवाओं की तरह राजनीति में जाएगा।